लोहे का सरिया चुराने वाले आरोपियों को कपिल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से करीब 1.5 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कपिल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दीपक नगर कपिल नगर के बीच पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्हें पिकअप गाड़ी MH31CO6756 गाड़ी जिसमें सरिया रखा हुआ था वो संशयास्पद अवस्था में दिखाई दी, जिसके चलते पुलिस ने गाड़ी की ओर रुख किया तो गाड़ी का चालक वहां से भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी चालक से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गाड़ी में रखा सरिया चोरी का होने की बात कबूल की। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े ने अधिक जानकारी साझा की। रात्री साधारण 2:30 वाजताच्या दरम्यान पेट्रोलिंग करत होते आमचे बीट मार्शल उपलवाडी तिकडच्या एरियाच्या भागामध्ये। बीट मार्शल पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना संशयित गाडी आढळली, त्याच्यामध्ये सरिया घेऊन चाललेला होता। यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो थांबला नाही, यांनी पाठलाग केला असता त्यांनी गाडी थांबवली आणि गाडी सोडून तो पळून गेला, चालती गाडी सोडून तो पळून गेला। यांनी झटापट करून त्याला पकडलं बीट मार्शलने आमच्या आणि त्यानंतर त्याला विचारपूस केली असता तो चोरीचा सरिया होता असं निष्पन्न झालेलं आहे। सध्या आमचा तो ताब्यातच आहे, पुढच्या आम्ही कारवाई करीत आहोत। पुलिस ने आरोपी से करीब 1.5 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। ये कार्रवाई विनोद टिकस, चंद्रकुमार टेकाम, राजू ताइडे और नीलेश शिवरकर ने की। वहीं आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN News नागपुर।